ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने करना है। क्यूबिक पॉलिनोमियल को जब तुम लोग फैक्टराइज करते हो तो उसमें एक स्टेप हमारा आता है जहां पर हम लॉन्ग डिवीजन की हेल्प से डिवाइड करते हैं। उसमें कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे काफी वीक रह जाते हैं, तो ये तुम लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा कि हाउ टू डिवाइड द पॉलिनोमियल। नाउ The polynomial is given 2x cube minus 2x square minus 11x minus 17. इसको हमने डिवाइड करना है x plus 2 के साथ। अब जब डिवाइड करना है तो x को जो फर्स्ट टर्म लिखी है हमारी, x की हाईएस्ट पावर हम यहाँ भी पहले लिखते हैं, तो x की पावर जैसे कई बार 2 plus x लिखा है तो हम चेंज करके x plus 2 उसको लिखेंगे। हमेशा x की हाईएस्ट पावर यहाँ भी पहले होनी चाहिए और x की हाईएस्ट पावर यहाँ पर भी पहले होनी चाहिए। तो हमने देखना है x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2x क्यूब आ जाए। तो कईयों को तो जल्दी पता चल जाता है, लेकिन अगर जैसे तुम लोगों को थोड़ा डाउट होता है तो क्या करना है, तुमने पहला नंबर हाईएस्ट पावर वाला यहाँ नंबर लिख देना 2x क्यूब, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो x की पावर है हाईएस्ट वाली उसके साथ हमने डिवाइड कर दिया, तो एक x कट जाना है, तो कितना आ गया इसके साथ करके, तो दिस विल बी 2x स्क्वायर। अब ये जो 2x स्क्वायर आया है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे x plus 2 के साथ। तो यहां पे तो मैंने लिख दिया 2x स्क्वायर, अब आगे इसको मल्टीप्लाई करा, तो मल्टीप्लाई करा तो यू कैन सी 2x क्यूब और प्लस 4x स्क्वायर। अब यहां पर हम लिख देंगे 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर। अब आगे हम लोग क्या करते हैं कि जैसे नॉर्मल डिवीजन करते हैं तो यहाँ पे जो नंबर लिखते हैं हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि साइन चेंज करेंगे, जैसे यहाँ पर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, अगर माइनस होता तो प्लस कर देते। अब ये दोनों चीजें कैंसिल हो गई, नेगेटिव नेगेटिव ऐड हो गए और 2 और 4 6 आके यहाँ पर 6x2 सारे नंबर्स कैरी ओवर कर रहे हैं, तो माइनस 11x और माइनस 17, ठीक है। अब नेक्स्ट वाली टर्म हमने पता करना है, तो नेक्स्ट टर्म पता करने के लिए हमने फिर ऐसे लिखा है, इधर हाईएस्ट पावर वाली कौन सी है, माइनस 6x2, यहां हाईएस्ट पावर वाली कौन सी है x, इसको डिवाइड किया तो कितना आंसर आ गया हमारा, x से इसको काट दिया, दिस इज माइनस 6x, तो ये हमारी नेक्स्ट टर्म होगी इधर माइनस 6x। ये माइनस 6x को मल्टीप्लाई कर दिया अब हमने इस x प्लस 2 के साथ, तो कितना आएगा माइनस 6x स्क्वायर और माइनस 12x। ये जो टर्म्स हम इसके नीचे लिख देंगे, x स्क्वायर की टर्म x स्क्वायर के नीचे, x की टर्म x के नीचे, तो यहाँ पर आ गया माइनस 6x स्क्वायर और माइनस 12x। फिर जैसे मैंने समझाया था माइनस करते हैं, माइनस का मतलब है हम इधर टर्म्स जो लिखे हैं उनका साइन चेंज करेंगे, तो क्या है माइनस है तो ये बन गया प्लस, इधर भी माइनस है तो ये बन गया प्लस, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो गया। अब इधर कितना आ गया माइनस 11 और प्लस 12, तो 1 हो गया क्योंकि 12 बड़ा है, उसका साइन हमने पॉजिटिव यहाँ पे, और ये आ गया माइनस 17। आगे अब नेक्स्ट तो स्टेप इजी है, इसमें यहां पर हमने लिखना है 1x चाहिए मुझे, तो x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1x आ जाए, तो ऑब्वियस है 1 से ही करेंगे, तो हमने इसको और साइन क्या मुझे चाहिए प्लस, तो मैंने प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया, तो प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यू कैन सी सीधा कितना आ गया हमारा x और प्लस 2। क्या साइन है यहाँ पर पॉजिटिव है, लेकिन मुझे यहाँ पर क्या करना है, जैसे मैंने समझाया था साइन चेंज करते हैं, जैसे हम नॉर्मल डिवीजन में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर हम साइन चेंज करते हैं ताकि ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल होकर कितना हमारा आंसर आ गया माइनस 17 और माइनस 2, ये हो गया माइनस 19। इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। ये जो डिवाइड करने के बाद जो हमारा एक्सप्रेशन वहां पे लिखा मैंने, इसको क्या बोलते हैं कोशेंट, ठीक है। सो दिस इज द वे यू डिवाइड, यू शुड डिवाइड द पॉलिनोमियल्स। अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करो, सो दैट जैसे नया वीडियो कोई अपलोड होता है तुम लोग के पास इंफॉर्मेशन जल्दी पहुंच जाएगी। सो थैंक यू ऑल।